नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सब भाग्य का खेल है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, साथ ही कई बार आपने अनुभव भी किया होगा, जब लगातार कड़ी मेहनत के बावजूद इसका फल आपको नहीं मिलता, चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जाती, जिसके बाद आप भी महसूस करते होंगे कि सफलता आपके भाग्य में नहीं है, भाग्य आपकी मेहनत पर भारी पड़ रहा है। यह सुनने में ज़रूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग भाग्य को मानते हैं। अगर आप भी किस्मत को मानते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो आपकी किस्मत बदलने की शक्ति रखते हैं। लौंग। ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी खास काम के लिए जा रहे हों तो बैग में कुछ लौंग रख लें या उसे चबाएं, इससे सौभाग्य आता है। इसलिए अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो साथ में लौंग ज़रूर रखें। दालचीनी। यह एक जादुई मसाला है, इसे अक्सर वित्तीय स्थिरता से जोड़ा जाता है। अपने पर्स में दालचीनी की एक डंडी रखने से फिजूल खर्च कम होती है। मिर्च। कई भारतीय संस्कृतियों के अनुसार लाल मिर्च और साथ ही हरी मिर्च का उपयोग बुरी नज़र और बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि घर की चौखट पर नींबू और मिर्ची को एक धागे में डालकर लटकाया जाता है। मछली। यह जानकर अजीब लग रहा है ना, लेकिन कई भारतीय संस्कृतियों में माना जाता है कि मछली खाने या चढ़ाने से समृद्धि और खुशी मिलती है। बंगाली संस्कृति के अनुसार शादी के दौरान मछली उपहार में दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह सुख और वैवाहिक आनंद लाती है। दालें। कुछ संस्कृतियों के अनुसार दाल का गोल आकार वित्तीय मुनाफे से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें खाने और दान करने से सौभाग्य और वित्तीय स्थिरता आती है। आम। आम देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि अक्सर पूजा कलश को चढ़ाने या तैयार करने के लिए इसकी पत्तियों और फलों का उपयोग किया जाता है। यह भी माना जाता है कि गुड़ और नारियल के साथ आम खाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके मीठे स्वाद की तरह ही आम खाने, चढ़ाने या दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घी। घी हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और हिंदू पौराणिक कथाओं का हिस्सा रहा है। प्राचीन काल से ही इसका उपयोग अनुष्ठानों में किया जाता है। पूजा और यहाँ तक कि घी से दिया जलाने से घर में समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आपको मेरी दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली इस तरह की जानकारी और कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।